Today I am going to start new topic that is genetic code. जेनेटिक कोड क्या है? ये सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड की डीएनए के ऊपर। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन डीएनए which determine क्या the sequence of amino acid determines the sequence of amino acid. In a polypeptide. Chain is termed as genetic code. इसकी डेफिनेशन ठीक है बच्चों। अब हमें आगे जाके ट्रांसलेशन पढ़ना है। ट्रांसलेशन पढ़ना है तो ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन बनाना। प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। जिस प्रकार से आप इंग्लिश के वर्ड्स के कोड को तोड़ देते हो तो ट्रांसलेट करते हो। अगर आपके सामने राम हैज कैप तो आप आराम से समझ जाओगे कि राम के पास टोपी है। आपने इसे डिकोड कर दिया, आपने इसे ट्रांसलेट कर दिया, इसलिए आपने इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया तो राम के पास टोपी है। इंग्लिश में पढ़ते राम हैज कैप। अगर कोई मोलड़ बंदा जो बिल्कुल अंग्रेजी नहीं जानता वो इसे पढ़ के जिंदगी में नहीं कह सकता था कि राम के पास टोपी है। क्या मैं सच कह रहा हूं या झूठ? सच सर। यानी आप लोग इंग्लिश के कोड तोड़ना जानते हो इसीलिए ट्रांसलेट कर सकते हो। आपकी इंग्लिश की टीचर ज्यादा कोड तोड़ लेती है इसलिए वो मास्टर नहीं बन गई और तनख्वाह ले रहे हैं। आप कम तोड़ते हो, आप स्टूडेंट हो। हर चीज का कोड, केमिस्ट्री के कोड तोड़ देते हो। अगर सीयू लिखा हो आप कोड तोड़ के कह दोगे ये कापर है। अगर CH4 लिखा हो जनरल बंदे को तो समझ में ही नहीं आएगा, वो तो C4 cat और H4 hydrogen पड़ेगा। लेकिन आपने इस कोड को तोड़ दिया CH4 को तो आप बोल्डली बता सकते हो ये कौन सी गैस है। बताओ कोई भी ये कौन सी गैस है? तभी तो मालूम है आपको, क्योंकि आपने कोड तोड़ दिया। शाबाश मेरे बच्चों। ऐसे ही मैं आपको बॉडी के अंदर के कोड तोड़ना बता रहा हूं। ट्रांसलेशन का मतलब रहेगा कि प्रोटीन कैसे बनती है। तो बच्चों अगला पॉइंट, देयर इज नो कॉम्प्लीमेंटरिटी, नो कॉम्प्लीमेंटरिटी बिटवीन mRNA. mRNA तो बनाया है हमने ट्रांसक्रिप्शन में एंड अमीनो एसिड, और हमें अमीनो एसिड बनाना है। सो अमीनो एसिड से प्रोटीन बनानी है। हम अमीनो एसिड खाते हैं
एमआरएनए मदद करेगा, दोनों में कोई कॉम्प्लीमेंटरिटी नहीं है। सो हाउ ट्रांसलेशन वुड टेक प्लेस? ट्रांसलेशन का मतलब प्रोटीन्स फॉर्मेशन। वुड टेक प्लेस कैसे होगा यही जानकारी लेती है। इसके लिए हमें कोड की जरूरत पड़ी। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू ए पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, बट देयर इज नो कॉम्प्लीमेंटरिटी बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड अमीनो एसिड, है ही नहीं। दिस लेड टू द प्रपोजिशंस ऑफ ए जेनेटिक कोड, इसकी वजह से जेनेटिक कोड का निर्माण हुआ, दैट कुड डायरेक्ट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। हम यहां पे ये वाली बात लिखेंगे, दिस लेड, यहीं से बात मैं शुरू कर दूंगा, दिस लेड एलईडी टू द प्रपोजिशन ऑफ ए जेनेटिक कोड that could direct the sequence of what? Amino acid. During ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन सिंथेसिस। अब जेनेटिक कोड कैसे बनेगा, ये वाला पॉइंट आ गया भाई, बड़ा अच्छा सा पॉइंट है। There must be a code made up of कितने bases? Four bases. चार ही तो होते हैं bases, नाइट्रोजन बेस जो होते हैं। दूसरी बात, कितने अमीनो एसिड हैं जिन्हें मैजिक कहते हैं? 20. There are 20 अमीनो एसिड, इनके लिए चाहिए हमें, जिनको हम मैजिक 20 कहते हैं। नीडेड टू मेक प्रोटीन आर प्रोटीन, अब देखना बहुत गौर करने वाली बात है, पता नहीं कितना गौर करोगे ये तुम जानो। इफ वन बेस कोड्स फॉर वन अमीनो एसिड, सपोज करो एक कोड का नाम फॉर एग्जाम्पल यू है और यू बना रहा है एक अमीनो एसिड, यू का मतलब एक कोई भी अमीनो एसिड, कुछ भी नाम है,
देन हमारे पास बेसिस कितने हैं? फोर। की पावर वन कौन कौन से थे? ए यू जी सी, ये चार हैं। चारों सिर्फ एक को ही बना पा रहा है, तो देखना फोर की पावर वन इक्वल टू फोर अमीनो एसिड ओनली। ये तो 20 से बहुत कम है। अगर एक कोड एक प्रोटीन के लिए डिनोट करता है तो चार कोड से कितने अमीनो एसिड के लिए करेगा वो? चार के लिए। जबकि हमारे पास कितने अमीनो एसिड हैं? यस तो ये तो 16 कम करेगा ना, यस और नो? सर, तो ये वाली जो डेफिनेशन तो यहीं पे खत्म हो गई मेरे बच्चों। अगर हम एक कोड से एक अमीनो एसिड बनाएं तो काम नहीं चलेगा, दो से बना के देखें, देख लेते हैं। आप ना भी कहोगे तो मैं तब भी देखूंगा। चार कम हो जाएंगे। ओके चल गाल सुनते हैं आगे की। देखो इफ टू बेसिस, अब की बार दो हो गए, कोड फॉर वन अमीनो एसिड, ब्रैकेट में मैं क्या एग्जाम्पल दे दूं? यू यू सपोज एक अमीनो एसिड बना रहा है, देन फोर की पावर टू इक्वल टू 16 अमीनो एसिड। ये तो फिर भी कम रहे, स्टिल लेस। यानी पहला वाला केस क्या था? वेरी लेस। दूसरे में कितने कम बैठ रहे हैं? फोर, स्टिल लेस। हमें तो 20 के लिए चाहिए ना, यस और नो? यस सर, चलो तीन का बना के देखते हैं, अगर तीन के से बात बन जाए तो सही है, नहीं तो चार का बना लेंगे। इफ थ्री बेसिस कोड फॉर वन अमीनो एसिड, बताओ ब्रैकेट में क्या एग्जाम्पल लिख दूं मैं? हाँ ए ए भी लिख सकते थे, ये अमीनो एसिड बना रहा है, देन फोर की पावर थ्री गिव्स फोर फोर जा 16, फोर जा 64 अमीनो एसिड। ये तो ज्यादा हो गए, 64 कॉम्बिनेशन बने। मैं लिख दूंगा 64 कॉम्बिनेशन, जबकि इतने तो अमीनो एसिड होते ही नहीं। जब इतने होते ही नहीं तो फिर ये कैसे? अच्छा अगर मैं इसकी बजाय तीन की बजाय चार का बना लूं तब तो और ज्यादा हो जाएंगे ना, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसके बाद में जॉर्ज गेमो आते हैं और वो अपनी बात रखते हैं कि भाइयों बहनों मैं बताता हूं क्या कहानी है। आइए जॉर्ज गेमो जी का स्वागत करते हैं, जो आज के साइंटिस्ट रहेंगे, आपके जेनेटिक कोड की जानकारी देने वाले, आप सबके प्रिय। प्रिय कितने हैं हमें नहीं मालूम, हैज डाल देते हैं जॉर्ज गेमो।
GEORGE, गेमो, GAMOW। तो भैया ये जो जॉर्ज गेमो हैं, फिजिक्स के थे। पता नहीं फिजिक्स वाले बायोलॉजी में क्यों पंगा करते हैं। अरे अपने फिजिक्स में रहो, मैं कभी उनका फिजिक्स नहीं छेड़ता। ए फिजिसिस्ट, इन्होंने कहा, क्या कहा? सैड बोल्डली, सीना ठोक के, दैट इट इज ए ट्रिपलेट, यानी लास्ट वाली बात सही है, कोड। ये वाली बात इन्होंने कह दी, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम चल रही है, और वो प्रॉब्लम क्या है? बट सिक्सटी 64 कॉम्बिनेशन इज मच मोर देन 20 अमीनो एसिड्स। तब क्या करें? हाउ इट इज पॉसिबल? लीजिए आंसर आ रहा है, बिकॉज मोर देन वन कोडॉन में कोड फॉर सेम अमीनो एसिड। एग्जाम्पल है जैसे यू यू यू, ये होता है फेनिल एलेनाइन, और यू यू सी ये भी होता है फेनिल एलेनाइन। यानी ये दोनों ही बोथ कोड फॉर किसके लिए? फिनाइल एलेनाइन। यानी एक एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा ये काम करेंगे, तो ये 64 बराबर होके सिर्फ 20 के लिए काम करेंगे। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? कुछ कुछ बात समझ में आ गई? यस सर। आगे आगे बढ़ रहा हूं। क्या बात है? आगे कुछ और कंट्रीब्यूटर्स थे जिनके नाम यहां जिक्र करूंगा। अदर कंट्रीब्यूटर्स, पहला हरगोविंद खुराना, इन्होंने क्या किया था?
could make RNA molecule using defined bases. RNA molecule using defined, ये जनरल जानकारियां हैं, बेसिस. एक और थे नरेनबर्ग, NIRENBERG. Could synthesize RNA molecule in cell-free medium. And also showed what? Protein synthesis. एक और थे ओकोवा, कुड मेक टेम्पलेट आरएनए विद डिफाइंड सीक्वेंस. किसके द्वारा? यूजिंग एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पूरा नाम लिखना होगा, फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोराइलेज, ऐसी जानकारी देती है इनकी, समझे? जेनेटिक कोड जारी है, जो हम जेनेटिक कोड पढ़ रहे हैं वो जारी है. तो ये वाली बात तो यहां पे ये सिद्ध हो गई कि एक से ज्यादा ऐसे करके इसको डिनोट कर. फाइनली एक हम चेकर बोर्ड बनाए, चेकर बोर्ड हमें सब कुछ बताएगा, जेनेटिक कोड की पूरी कहानी. तो द कोडोन इज ट्रिपलेट, बिल्कुल सही है. 64 बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे. सैलियंट फीचर लिखेंगे, लिख लेंगे. आगे की कहानी जरा गौर से समझो, कंटिन्यूटीज की कल बनेगी फिर. फाइनली ए चेकर बोर्ड फॉर जेनेटिक कोड वॉज प्रिपेयर्ड एज. जरा सा दिमाग लगाना, समझे? सारा मत लगा देना, मुझे इसमें आपका थोड़ा सा दिमाग चाहिए, ज्यादा की मुझे जरूरत नहीं. चार में बांटो,
अब करेंगे क्या इसमें? मैं करूंगा जो करूंगा। कौन कौन से नाइट्रोजन बॉयज? यू सी ए सी, ये फर्स्ट पोजीशन है। सेकंड पे भी यू सी ए जी, ये जी है लास्ट वाला। यहां चारों एक साथ थर्ड पोजीशन पे यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी। अब कहानी शुरू होती है। पहले इसको लिखना है, फिर इसको, और फिर इसके साथ इसको, फिर पहले को, फिर दूसरे को, फिर दूसरे को, पहले को, फिर तीसरे को, फिर तीसरे को, पहले को, फिर चौथे को, फिर चौथे को, ऐसे करके लिखना है। देखो, अरे तो बच्चों लिख लेते हैं। यू यू, फिर इधर से यू आ गया, दूसरा क्या होगा? यू यू, यू सी, फिर क्या होगा? यू यू, 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 यू लास्ट यही होगा ना। अब दूसरे वाले से लो तो यू सी, तो लगातार यू सी यू सी यू सी यू सी आएगा, यू सी यू सी यू सी यू सी, यानी इसी के साथ ये चारों बार, और एक बार यू, फिर एक बार सी, फिर एक बार जी, फिर एक बार यू सी ए जी। बात समझ में आ रही है? तीसरे में क्या आएगा? यू ए यू ए यू ए यू ए, फिर U C A G, क्लियर? चौथे में U G U G U G U G, फिर U C A G, क्लियर? अगले वाले का सी यू सी यू सी यू सी यू सी यू, फिर U C A G। नैन्सी जरा बोलो अगले वाले का। और लास्ट में यू सी ए जी, ऐसे अगले का सी ए सी ए यू सी ए जी, अगला सी जी, यू सी ए जी, ये टोटल 64 हो जाएंगे, 64। इसमें शुरुआत कैसे होगी बताओ? ए यू, शाबाश, और लग जाएगा यू सी ए जी। इसमें कैसे होगी? ए सी, और यू सी ए जी। अगले की शुरुआत कैसे होगी? ए ए, ठीक है, ए ए ए ए ए ए ए, और यू सी ए जी। अगले वाले की ए जी ए जी ए जी ए जी ए जी, और यू सी ए जी। अगले वाले की जी यू, और यू सी ए जी, फिर जी सी। सबको समझ में आ गया ना? यस सर। अगला जी ए जी ए जी ए जी ए यू सी ए जी, फिर जी जी, लास्ट में जी जी आ गई, यू सी ए जी। अब ये टोटल 64 है।
समझे? इन सबके अलग अलग नाम है, इन सबके अलग अलग नाम है। जैसे अगर नाम आप लिखना चाहें फेनिल एलेनाइन पीएची, ये भी पीएची के लिए, देखो दो सेम है इसके लिए, लियोनाइन लियोनाइन, इस तरह से सबके नाम है। ये सारे एल ई यू एल ई यू एल ई यू एल ई यू, मैंने पहले ही कहा था कि एक कोडोन, एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडोन काम कर सकते हैं। एलेनाइन के लिए देखिए नीचे वाले चार हैं, ऊपर वाले तो कई सारे कोडोन। बाकी की जानकारी कंटिन्यूटी में रहेगा ये टॉपिक, ऐसे समझ में नहीं आएगा इतनी जल्दी।